राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं प्रभु राम के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं ऐसे में अयोध्या में भारत की विविधता में एकता की अनोखी तस्वीर देखने को मिली है राम नगरी में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम राम भक्त भी नजर आए बड़ी संख्या में राम लला के जय कार्य लगाते हुए मुस्लिम राम भक्त लखनऊ से अयोध्या पहुंचे इस दौरान उन्होंने प्रभु श्री राम से अपना अनोखा रिश्ता बताया है अयोध्या में नव निर्मित राम मंदिर का जनवरी में उद्घाटन होने के बाद से राम भक्तों की भीड़ उमड़ रही है यहाँ रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्त भगवान के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को मुस्लिम समुदाय के राम भक्तों को बड़ा जत्था लखनऊ से अयोध्या पहुंचा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले मुस्लिमों का एक दल अयोध्या पहुंचा बड़ी संख्या में मुस्लिम राम भक्त कबीर मठ से निकले और मुख्य मार्ग रामपत से होते हुए भगवान राम लला के दर्शन के लिए भक्ति मार्ग पर पहुंचे इस दौरान सभी जय श्री राम और वंदे मातरम का जय घोष करते दिखाई दिए अयोध्या में जाति धर्म की दीवार को तोड़कर प्रेम एकता और सौहार्द का दृश्य दिखाई दिया राम लला के दर्शन करने आए मुस्लिमों ने बेबाक शब्दों में कहा कि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। इस देश में चाहे वे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख या फिर ईसाई सभी एक हैं। हम सभी का उद्देश्य रामलला के दर्शन करके सर्वधर्म संभाव का संदेश देना है 25 जनवरी को लखनऊ से निकले सैकड़ों मुस्लिम राम भक्तों का जथा 30 जनवरी को अयोध्या पहुंचा। यहां हर कोई राम भक्ति के रंग से सराबोर नजर आया यहां पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि हम भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं उन्होंने भगवान राम का अपना नबी बताया राम मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग बड़ी संख्या अयोध्या पहुँच रहे हैं यहाँ तेईस जनवरी से लेकर उनतीस जनवरी तक लगभग बीस लाख लोग पहुँच चुके हैं यही वजह है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को राम मंदिर दर्शन करने की अवधि बढ़ानी पड़ गई है राम नगरी में भक्तों के पहुंचने को लेकर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं यहां कई तरह की रहने खाने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। गौरतलब है कि मंदिर समिति को सिर्फ सात दिनों में लगभग पाँच करोड़ साठ लाख ऐसी अधिक धनराशि का दान मिल चुका है